पूरे देश में अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन पर सभी विभाग के लोग अपने अपने तरीके से देश को स्वच्छ रखने और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं। झांसी रेल मंडल द्वारा भी रेलवे व देश को स्वच्छ रखने के लिए पूरे सप्ताह भर अलग अलग कार्यक्रम हुए, जहाँ देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में जगह जगह स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और 1 अक्टूबर से 1 घंटे श्रमदान करने की सभी से अपील की गई थी। इस बात को लेकर आज झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के परिसर में DRM दीपक कुमार सिंह ने अपने अधीनस्थों के सफाई अभियान में श्रमदान किया और लोगों से भी इस अभियान में जुड़ने की अपील की। इसका उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और दूसरा यह है कि सफाई भी कर देना जो बचे खुचे सफाई है। 16 सितम्बर से यह चल रहा कार्यक्रम और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरी देश इसको मना रही है। 1 घंटा इसको करना है, 1 अक्टूबर 1 घंटा उनका स्लोगन है श्रमदान करने के लिए और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं और इसी अभियान में हम लगे हुए हैं। मंडल में लगभग 300 ऐसे लोकेशन चिन्हित किए गए हैं जिनको कि जियो टैग द्वारा ऑलरेडी एक स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर अपलोड किया गया है और आज इसको सफाई करने के बाद भी किया जाएगा। इसमें हमारे विभिन्न जगहों के डिपो शामिल हैं, रेलवे स्टेशन के लोकेशन शामिल है, कुछ कॉलोनी भी के एरिया भी शामिल हैं। हालांकि 300 भी कम है, बट यह है कि एक अभियान है, ये चल रहा है और इसको मैं इसके माध्यम लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा पूरे लोगों को कि सफाई अपने डेली प्रैक्टिस में रहें ताकि गंदगी ना हो। एक्चुअली इस तरह की जो पन्नी जो बैन है उस सिंगल यूज प्लास्टिक वाली बैन है और ये जो पन्नी है अब उसे मैं देखना पड़ेगा कितने माइक्रोन की है। कुछ पन्नी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, उनको रीयूज में नहीं आ जाता है तो उस माइक्रोन से एक मुझे एग्जैक्टली डाटा मालूम नहीं है। पतले जो पन्नी होते हैं ना कुछ माइक्रोन के पन्नी बैन किया गया हुआ है बट मोटे पन्नी जो कि बार बार यूज हो सकते हैं उसको यूज में लिया जाता है।